हेलो फ्रेंड्स मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर फ्रेंड्स आज हम 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे तो देखिए मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है तो बैक पार्ट की सबसे पहले हम कटिंग करेंगे तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी साढ़े बारह इंच है तो मैंने एक इंच बढ़ा कर ली है आपकी जो भी लेंथ होगी उससे एक इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा डिपने के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने फाइव इंच आर्म होल लिया है मैंने सिक्स इंच स्क्रीन पर देव है मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं चेस्ट हमारा थर्टी टू है तो उसका चौथा आएगा एट इंच और डेढ़ इंच मार्जिन का हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं वेस्ट हमारा ट्वेंटी सिक्स है तो उसका चौथा आएगा सिक्स पॉइंट फाइव इंच एक इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और डेढ़ इंच मार्जिन का इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मार्किंग के अकॉर्डिंग हम बैकअप पार्ट को कट कर लेंगे और हम फ्रंट पार्ट निकाल लेना है तो फ्रंट पार्ट हमें बैक पार्ट निकालने के बाद ही हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे और डेढ़ इंच बढ़ाकर हमें फैब्रिक को लेना है नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और एक प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो हमें ये हाफ इंच बढ़ाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की तरफ से भी हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है देखिए इसी तरह से हमें बैक पार्ट के मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट मार्किंग कर लेंगे अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है लेकिन फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद ही कट करेंगे अभी बैक का ही कट करेंगे आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ हाँ अंदर की तरफ लेते हुए एक इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे अब हमें फ्रंट का नेक ड्रॉ करना है तो वित में रख रहे हमें टू इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं सिक्स इंच और नीचे से वित में टू पॉइंट फाइव इंच रखते हुए ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का सेप दे देंगे हल्के हाथों से अब हमें प्रिंसेस कट का पार्ट निकालना है तो नीचे से व्थ में रख रहे हमें थ्री पॉइंट फाइव इंच पर और ऊपर से टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा टेन इंच और यहाँ से मैं पौना चार इंच लेते हुए ऐसा टक्स पॉइंट निकालेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है इसी तरह से अब प्रिंसेस कट का पार्ट हमें निकालना है तो उसको टक्स निकालेंगे तो डेढ़ इंच पर मैं नीचे से ले रही हूँ ऊपर से हमें लेंथ रह रही हूँ मैं टू इंच और ऐसी लाइन ड्रा करते हुए हमें प्रिंसेस कट का सेप दे देना है देखिए इसी तरह से प्रिंसेस कट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है अब आर्मोहल की तरफ से हाफ इंच सिलाई मार्गिंग के लिए और टक्स पॉइंट का हमें डेढ़ इंच बढ़ा लेना है साइड से अब नीचे से हमें फैब्रिक को इसी तरह से छाट लेना है देखिए प्रिंसेस कट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है आर्मोल हम बैक पार्ट का ही कट करेंगे फ्रंट पार्ट का हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं देखिए जैसे हमने मार्किंग की थी उसी के हिसाब से हम कट कर लेंगे और नीचे से भी कपड़े को सीधा करते हुए हमें जो तिरछी लाइन ड्रा की थी उसको हम छाट लेंगे अब प्रिंसेस कट का पार्ट भी हमें अलग कर लेना है नेक को भी कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है सभी पार्ट को ये हमारा टक्स पॉइंट का भी ये भी निकाल लेना है अब मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा अब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें सभी फैब्रिक रखने हैं पूरे राउंड में हम इसको स्टिच लगाएंगे उसको अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ देखिए बराबर से राउंड से हम स्टिच लगाएंगे अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खरींचना रहे उसका ध्यान रखे अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें बराबर से ही अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है देखिए इसी तरह से अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे अब प्रिंसेस कट का पार्ट भी हमें इसी तरह से कट अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हम इसको स्टिच लगाएंगे इसी तरह से दोनों पार्ट हमें इसी तरह से रेडी कर लेने हैं अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे अब ये पार्ट भी हमें उसी तरह से इसको अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे अब जो हमारा बाहर की तरफ मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे देखिए इसी तरह से सभी पार्ट हमारे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं अब यहाँ पर हमें पाइपिंग कर लेनी है जो प्रिंसेस के पार्ट पर पाइपिंग आती है उसको हाँ एक पैर का मार्जिंग रखते हुए एक कूरेब में पट्टी ली है मैंने और एक पैर का मार्जिंग रखते हुए स्टिच कर लेंगे अब पट्टी को पलटाते हुए एक कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे अब जो बाहर की तरफ हमारी पट्टी आ रही है उसको कट कर लेना है अब हम पाइपिंग निकालते हुए हमें पट्टी को स्टिच लगा लेनी है पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पाइपिंग निकालते हुए हम स्टिच कर लेंगे उंगली से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगी अब हमें प्रिंसेस कट का जो हमने पार्ट रेडी करके रखा था उसको हमें अटैच कर लेना है जो हमने हमारी पाइपिंग की स्टिचिंग है उसके ऊपर ही हमारी ये स्टिचिंग आनी चाहिए इसी के हिसाब से स्टिच कर लेंगे अब एक पैर का मार्जिन रखते एक फिनिशिंग की स्टिच कर लेंगे इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं अब दूसरे पार्ट को भी मैंने पाइपिंग अटैच करके उसको प्रिंसेस कट पार्ट ज्वाइन कर लिया है प्रिंसेस कट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से, से आरमूल की तरफ से ही अटैच कर लीजिएगा ताकि आर्म होल की तरफ से हमें भी कम ज़्यादा हो तो, तो उसको, उसको हम गोलाई में छाट सके आर्म होल की गोलाई में देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं अब कमर पट्टी लगाएंगे हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉपी स्टिच लगा लेनी है इस तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी करेंगे अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है तो मैं ये हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ की पट्टी हमेशा राइट साइड पर रॉन्ग साइड ले जानी है और पट्टी को पलटा दे पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है और पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें फाइनल स्टिच कर लेंगे इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं और जो हाई हुक की पट्टी है वो चेक कर लेंगे कम ज़्यादा हो तो हम उसको छाट लेंगे और तुरपाई की पट्टी अटैच करेंगे देखिए तुरपाई की पट्टी के लिए हमें उरेब में पट्टी लेनी है और उसको हमें एक पैर का मार्जिंग रखते हुए उसको अटैच कर लेंगे और पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉपी स्टिच लगाएंगे बाद में हम ये स्टिच निकाल लेंगे देखिए ये हमारा बैक पार्ट मैं अपने सेकेंड चैनल पर लेके आऊंगी देखिए मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद